हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूँ पीएचपी वीडियो सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कैसे पीएचपी कोड को एम्बेड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा एरर रिपोर्टिंग के बारे में, एरर रिपोर्टिंग क्या है और हम एरर रिपोर्टिंग को अपने वेब डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमें एरर रिपोर्टिंग को क्यों प्रोडक्शन मोड में ऑफ करके रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो एक पीएचपी फाइल क्रिएट करना है जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है और उसका मैंने नाम दे दिया index.php। इस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने पे आपको php टैग्स दिखेंगे जो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है। सबसे पहले जो मैं करूँगा, इस फाइल को एक बार सेव करता हूँ, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा var। इस वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करूँगा, जो कि मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ वो है माई स्ट्रिंग करके। आप कुछ दूसरा वैल्यू भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको हम सेव करते हैं, फिर एक लाइन नीचे आते हैं, फिर हम एको यूज़ करके इस वेरिएबल को आउटपुट करने की कोशिश करते हैं $var, फिर इसको सेमी कॉमा से एंड करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देख ही लिया होगा कि हमने इस सेकंड लाइन में हमने सेमी कॉमा इंक्लूड नहीं किया है, जो कि हमें करना चाहिए क्योंकि हर स्टेटमेंट को हमें सेमी कॉमा से एंड करना है, नहीं तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। लेकिन हम ये एरर जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप और मैं एरर रिपोर्टिंग के बारे में जान पाए। तो चलिए दोस्तों, इसको ब्राउज़र से एक्सेस करके देखते हैं कि फ़ाइल कैसा लगता है। हमने ऑलरेडी इसका पाथ एंटर करके रखा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, पहले भी ब्लैंक था, अभी भी ब्लैंक नज़र आ रहा है। हम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट, वो होना चाहिए था माई स्ट्रिंग, लेकिन क्योंकि हमने गलती किया है इसलिए वो आउटपुट शो नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, और कुछ दूसरा इनपुट या इनपुट एलिमेंट ऐड करके देखते हैं एचटीएमएल फॉर्मेट में इसके ऊपर, जो कि होगा एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप। हम टेक्स्ट सेट करते हैं। अब अगर हमारा पीएचपी कोड में गलती है तो ये कम से कम तो शो हो जाना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने एचटीएमएल में कुछ गलती किया नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, एचटीएमएल टेक्स्ट बॉक्स भी शो नहीं हो रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि अगर हमारे पीएचपी कोड में गलती हो तो पेज में कुछ भी डाटा हो, इवन टेक्चुअल डाटा भी मतलब शो नहीं होगा ब्राउज़र में। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने ये वीडियो के लिए अपने जो php.ini फाइल था उसमें एरर रिपोर्टिंग को ऑफ करके रखा था। तो चलिए हम अपने php.ini फाइल को लोकेट करते हैं, जो कि है इस फोल्डर के जस्ट htdocs फोल्डर में चलते हैं, फिर xampp फोल्डर पे चलते हैं, फिर php फोल्डर में चलते हैं। उसके नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, फिर इधर ये हुआ कहीं, फिर ये रहा php.ini। इसको ओपन करते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर में, जो कि है सबलाइम टेक्स्ट। इस वीडियो के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने एरर रिपोर्टिंग को ऑफ करके रखा था। चलिए एरर रिपोर्टिंग में ढूंढते हैं। हम एरर irregular हुआ टाइप करते हैं, फिर फाइंड करते हैं। फाइंड करने पर हमें एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग दिखेगा, जहाँ पर हमें ध्यान देना है। हाँ, ये आ गया एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग, यही पार्ट पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ एरर रिपोर्टिंग को ऑफ करके रखा है। जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, आपको जब दिख रहा होगा लाइन नंबर 450 में, मेरे केस में एरर रिपोर्टिंग इज इक्वल टू 0। दोस्तों, इसीलिए हमें एरर्स नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में हैं, हमें एरर्स नज़र आना चाहिए था। क्योंकि डेवलपमेंट मोड ये एरर तो हमने जानबूझ के किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरर्स हमसे अनजाने में होते हैं, जो कि हमें जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे एरर हुआ है। अभी तो फिलहाल 2-3 लाइंस है, इसलिए हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं एरर लाइन नंबर 3 पे है। लेकिन अगर बहुत सारी लाइन हो, जैसे थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड हो, तो ये हमारे लिए पता करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट मोड में हमेशा हमें एरर रिपोर्टिंग को ऑन करके रखना चाहिए या कुछ सुइटेबल वैल्यू हमें सेट करना चाहिए, इसीलिए ताकि हमें डिबगिंग में आसानी हो और हम अपने कोड को एग्जीक्यूशन के लिए बेहतर बना पाए। तो देखते हैं, चलिए एरर रिपोर्टिंग के क्या क्या वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं। हम चलेंगे php.ini फाइल में फिर से, फिर एरर रिपोर्टिंग सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा जो इसके नीचे है एरर लेवल कांस्टेंट। तो ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे देख रहे हो, ये ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हम एरर रिपोर्टिंग को सेट कर सकते हैं।
मतलब एरर रिपोर्टिंग इज इक्वल टू ई ऑल हो सकता है, ई एरर हो सकता है, या इनमें से कुछ भी एक भी हो सकता है। और हम इनके कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के केस में अगर ई ऑल हम मैं चूज़ करता हूँ एरर रिपोर्टिंग इज इक्वल टू ई ऑल, तो वो क्या करेगा, हमें सारे एरर्स और वार्निंग दिखाएगा इंक्लूडिंग ई स्ट्रिक एरर्स भी। अगर मैं एरर रिपोर्टिंग ई एरर सेट करता हूँ तो मुझे सारे एरर्स और वार्निंग नहीं दिखाएगा, सिर्फ फेटल रन टाइम एरर्स ही दिखाएगा। वैसे हर एरर रिपोर्टिंग का ऑप्शन का अलग अलग मतलब है, आप इधर से पढ़ सकते हो सारी चीज़। तो चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। जो इस पे आपको लिखा होगा डेवलपमेंट वैल्यू इज इक्वल टू ई ऑल, मतलब इधर पे ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर रखा है कि डेवलपमेंट मोड में हमेशा एरर रिपोर्टिंग इज इक्वल टू ई ऑल होना चाहिए। तो चलिए हम ई ऑल करके देखते हैं। ई ए डबल एल, इसको कैपिटल में होना चाहिए। इसको हम फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो हमें चीज़ करना है वो है कि अपाचे को स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने php.ini फाइल में चेंजेस किया है, तो दोबारा से चेंजेस ताकि वेब सर्वर में लोड हो हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हमारे चेंजेस सारे इफेक्ट में आ जाएंगे। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं जब तक ये लोड हो रहा है, फिर हम इसके अपने ब्राउज़र में चलते हैं, फिर से हम रिफ्रेश करते हैं इसको, और हमें होपफुली अपना एरर नज़र आना चाहिए कि लाइन नंबर 4 में है। तो बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर, और वो है एक सिंटैक्स एरर है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं लाइन नंबर 4 हमारे इंडेक्स डॉट पीएचपी में ये है, और बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एको, मतलब लाइन नंबर 4 में एको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। लाइन नंबर 4 का जो बिगिनिंग है वो असल में लाइन नंबर 3 का एंड है, और ये इधर पे एको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि एक्सपेक्ट कर रहा है एक सेमी कॉमा, जो कि हम भूल गए थे जानबूझ के। तो देखा दोस्तों एरर रिपोर्टिंग कितना हेल्पफुल है हमें एरर डिटेक्टिंग करने में, कि हम एरर आसानी से डिटेक्ट कर सके ताकि हम डिबग कर पाए अपने एप्लीकेशन को। लेकिन अगर हम इसको ऑफ रखते तो अभी तो पता लग जाता कि 2-3 लाइन्स है, लेकिन अगर बहुत सारे लाइन्स होते, थाउजेंड्स ऑफ लाइन होते, तो हमें पता करना बहुत ही मुश्किल होता। तो एरर रिपोर्टिंग डेवलपमेंट पर्पस में बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन दोस्तों अगर हम एरर रिपोर्टिंग को प्रोडक्शन मोड में ऑन करके रखते तो हमारे लिए लेकिन मुसीबत होगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप प्रोडक्शन मोड में होंगे, एक बार आपने अपने कोड सारा लिख लिया होगा, फिर इसको सर्वर में आप डालोगे, तब अगर आपने एरर रिपोर्टिंग को ऑन रख दिया तो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वो कैसे, कि अब जब आपने पीएचपी फाइल में कोई भी अगर फाइल इंक्लूड किया होगा या कोई भी डाटाबेस कनेक्शन किए होंगे, तो उसमें अगर आपने गलती किया होगा, सिंटैक्स एरर हो सकता है आपका, कुछ दूसरा एरर अनडिक्लेयर वेरिएबल हो सकता है, तो वो क्या करेगा कि आपके एरर जो पीएचपी इंटरप्रेटर है वो आपके वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले कर देगा कि ये एरर्स है। उस एरर में यूज़र को जो दूसरा विजिट करेगा उसको बहुत सारे इंटरनल डिटेल्स आपके सर्वर के बारे में पता लग जाएंगे, जैसे कि अगर आपने कोई फाइल को रेफरेंस दिया है, वो फाइल नहीं मिला, तो बताएगा कि ये फाइल इस जगह पे नहीं मिला, तो वो जो लोकेशन है वो शो कर देगा, तो यूज़र को अंदाज़ा हो जाएगा आपका फाइल स्ट्रक्चर। और डाटाबेस के केस में आपको, जैसे कि आपको कोई टेबल के साथ कनेक्शन करना है और वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है डाटाबेस में, तो वो बताएगा कि ऐसा टाइप का टेबल कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो टेबल का नाम देख के उसको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है और आपके डाटाबेस में टेबल का नेमिंग कन्वेंशन क्या है, तो आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और इजीली वल्नरेबल है। तो इसीलिए हमें डेवलपमेंट मोड में एरर रिपोर्टिंग को यूज़ करना चाहिए और प्रोडक्शन मोड में नहीं। प्रोडक्शन मोड में हमेशा एरर रिपोर्टिंग को, मैं तो कहूँगा, हमें ज़ीरो रखना चाहिए इधर पे, ताकि हम यूज़र्स को अपने एरर्स ना दिखाएं। हम सिर्फ डेवलपमेंट मोड में देखें इसको, और फिर जैसे हम सारे एरर्स को डिबग कर दिए, उसके बाद हम इसको ज़ीरो करके फिर प्रोडक्शन में उतरें। चलिए इसको हम ज़ीरो करते हैं फिर से। ज़ीरो करने के बाद दोबारा से हम अपाचे को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद ये इफेक्ट में आ गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही समझाना चाहता था कि हमें डेवलपमेंट मोड में एरर रिपोर्टिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्शन मोड में हमें इसे क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस या डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।